रहीम, डियर क्लास थ्री स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस फरिया हेयर। जैसे कि आप लोगों को असाइनमेंट नंबर वन प्रोवाइड किया जा चुका है, उसकी आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। असाइनमेंट नंबर वन का हमारा चैप्टर नंबर वन है वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की दुनिया। असाइनमेंट नंबर वन का वर्क नंबर वन है फिल इन द ब्लैंक्स, और उसका स्टेटमेंट नंबर वन है कंप्यूटर इज एन अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो है वो एक हैरत अंगेज या हैरान कुन मशीन है। नंबर टू स्टेटमेंट है मेन फ्रेम ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ अ होल बिग रूम। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स थे वो कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पहले आए हैं, और ये जो है बहुत ह्यूज कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, और इनके लिए एक पूरे कमरे के बराबर जगह चाहिए होती थी। नंबर थ्री स्टेटमेंट है ऑल द पार्ट्स आर हंग इनटू अ फ्रेम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर को मेन फ्रेम इसलिए कहा जाता है कि इसके जितने पार्ट्स हैं, इस कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं, वो एक फ्रेम के अंदर लटके हुए होते हैं। नंबर फोर स्टेटमेंट है मिनी कंप्यूटर इज लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर आए, दूसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर आए, एंड देन थर्ड नंबर पे माइक्रो कंप्यूटर आए हैं। तो मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे हैं। स्टेटमेंट है मिनी कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन यूजर एट अ टाइम। मिनी कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यूजर्स होते हैं वो इस्तेमाल करने वाले कहलाते हैं, तो वो जो यूज करते हैं वो एक वक्त में एक यूजर यूज कर सकता है। नंबर सिक्स स्टेटमेंट है ऑल होम और पर्सनल कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर्स। जितने हमारे घर में पीसीज यूज हो रहे हैं, जिनका फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर, उन पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नंबर सेवन स्टेटमेंट है मिनी कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मेन फ्रेम। जो मिनी कंप्यूटर है उसके ज्यादातर फंक्शंस मेन फ्रेम की तरह हैं। नंबर एट स्टेटमेंट है माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनको पर्सनल कंप्यूटर से भी जाना जाता है, इसको पीसी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है और माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नंबर नाइन स्टेटमेंट है ऑल द यूनिट्स ऑफ अ लैपटॉप इन अ सिंगल यूनिट। लैपटॉप के जितने यूनिट्स हैं, जितने पार्ट्स हैं, वो एक ही यूनिट के अंदर होते हैं, यानी उसका इसकी प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू, उसका कीबोर्ड और उसका माउस, सब चीज़ें एक ही यूनिट में होती हैं। नंबर टेन स्टेटमेंट है लैपटॉप्स आर चार्ज्ड बाय चार्जर। लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो चार्जर से चार्ज किए जाते हैं, चार्जेबल होते हैं। नंबर 11 आपका स्टेटमेंट है पाम टॉप इज अ कंप्यूटर दैट फिट्स इन योर पाम। जो पाम टॉप कंप्यूटर होते हैं वो आपके हैंड साइज के होते हैं और मोबाइल साइज के होते हैं, जो कि इजीली आपके पाम में फिट हो जाते हैं, आपकी हथेली में, आपके हाथ में फिट हो जाते हैं। आपका लास्ट स्टेटमेंट है अ पेन इज यूज्ड फॉर डेटा इनपुट इन पाम टॉप्स। पाम टॉप कंप्यूटर जो होते हैं, जो मोबाइल साइज के होते हैं, उनके लिए एक पेन अवेलेबल होता है और उस पेन से हम डेटा को पाम टॉप में इनपुट करते हैं। नंबर वन का वर्क नंबर टू है रीअरेंज लेटर्स टू मेक करेक्ट वर्ड्स। आपको टू कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे, जंबल्ड एंड करेक्ट। जंबल्ड लेटर्स में आपको आगे पीछे वर्ड्स करके दिए गए हैं, उनको करेक्ट करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बनाना है। नंबर वन वर्ड है कंप्यूटर, नंबर टू है पाम टॉप, नंबर थ्री है लार्ज, एंड नंबर फोर है लैपटॉप। आई होप डियर स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा,
और अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को अगेन देखिए। थैंक यू।